अरे ये तो अपने टीका ही है। ये वेच बेचड़ी नहीं, यू कट बेचड़ है, कुड़ बेचड़ है। अभी हेलमेट पहन खोल के भी नहीं पहचानोगे क्यों? मस्त चिकने बने हुए हैं एकदम। अरे सुबह सुबह पुलिस वाले ने भी रोका के कहा जा रहो? मैं क्या दौड़ने के बाइक लेके राइडिंग गियर पहन के मैंने गया। हाँ मैराथन विद बाइक राइड, मतलब ये यूनिक कंसेप्ट हो गया भाई। R15M के अंदर ड्यूल डिस्क का सेटअप किया हुआ है भाई, मतलब कलाकार है यार तू है। अच्छा इन्होंने चालान कटा था? अच्छा वही है क्या ये, इसलिए आपने स्टॉक डाल दिया? भाई साहब ने इनका दिल तोड़ दिया, मैं तो राइडर पेंट दिला रहा था पर इन्होंने आके दिल तोड़ दिया है। शोरूम बंद, शोरूम बंद। फिर क्या हुआ? नहीं शोरूम बंद करवा रहा है। अरे थैंक यू शाला भाई, यू गोरिल्ला के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज है संडे और हमारी है संडे राइड, और संडे राइड के साथ साथ भाई एक बहुत ही बढ़िया चीज़ एक और है, आज है एक मैराथन को भी ज्वाइन करना है। तो मैं सोचा यार घर से तो अब क्या वीडियो स्टार्ट करें, फिलअप करवा लेते उसके बाद में पेट्रोल पंप से ही वीडियो को करते हैं अपन स्टार्ट। तो फिलअप वगैरह सब हो गया है, चलते हैं सीधा जो मीटिंग पॉइंट है हमारा वहाँ पर। भाई काफ़ी टाइम बाद में वीडियो भी आ रहा है और मैं मोटो व्लॉग भी कर रहा हूँ और एक कोई राइड को ज्वाइन कर रहा हूँ। भाई अभी थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:19 और भाई मौसम तो भयंकर ही हो रखा है, बारिश ना आ जाए नहीं तो हमारे मोटो व्लॉग की 12 बज जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। मेरे को तो भाई फुल एक्साइटमेंट है आज क्योंकि काफी समय बाद में मैं कोई राइड को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आज का हमारा मीटअप पॉइंट नजदीक ही है, ज्यादा दूर है नहीं। रखा हालचाल है? क्या हालचाल? अरे ये तो अपने टीका ही है। ये वेच बेचड़ ही नहीं, यू कट बेचड़ है, कुड़ बेचड़ है। अभी हेलमेट पहन खोल के भी नहीं पहचानोगे क्यों? मस्त चिकने बने हुए हैं एकदम, स्टीम मोमो जैसे। और क्या हालचाल है तुम्हारा? वीडियो देखा था मैंने। अरे अरे भाई रुक जाओ यार, इसी तो सेट होना था, एग्जॉस्ट डाल लो अभी, नई गाड़ी है। छः बज के 15 मिनट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे राइडर आ गए, 15 मिनट हम है लेट। तो सभी लोग आ चुके हैं और अब हमारी राइड स्टार्ट है और हम जा रहे हैं अभी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में, भी शायद वहीं से ही मैराथन का इवेंट है तो उसको ज्वाइन करते हैं। मैराथन दौड़ने दौड़ने? हाँ। अरे सुबह सुबह पुलिस वाले ने भी रोका के कहा जा रहो? मैं क्या दौड़ने के बाइक लेके राइडिंग गियर पहन के मैंने गया। हाँ अरे चिन्नू बाबा तो हमारी ऐसी मस्ती मजाक चलती रहती है क्या? ये देखो खिलका। आज आपकी गाड़ी बंद है, बाकी सुकर समझो एग्जॉस्ट हटाया हुआ नहीं तो तुम्हारे सबकी आवाज धीरे आती। दिस इज अ स्कैम, बिगेस्ट स्कैम। भोसड़ी के भोसड़ी के पजामा पहन के आ गया वॉक करने के हिसाब से। सभी लोग निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारी फाइनली राइड स्टार्ट हो गई और भाई ये कभी समस्या हो गई, मौसम बरसात का है तो अब क्या लेंस में होश जमकी तो भी जुगाड़ करना पड़ा। एक हमारे भाई की बाइक क्या मतलब बैंगर हिट मार रही थी तो उसके एग्जॉस्ट के पास में कैमरे को लेके गया तो तब जाके थोड़ा सा इसका ये जो अंदर मॉइस्चर जम गया था तो वो हटा है। और भाई मेरे साइड मिरर है नहीं तो मैं तो बहुत तेल ही बन के चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को फिर पता चलेगा नहीं यार कोई आ रहा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आई है यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना जहाँ पर मिरर टाइट होता है ये मेरा हो गया है ख़राब, इस चक्कर में क्या साइड मिरर मेरे खराब निकाल के रख दिए मैंने भाई। तो यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है, यहाँ पे चेकिंग चल रही है भाई दबा के क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है तो भाई पुलिस प्रशासन की भी अभी ड्यूटी बैंकर वाली लगी हुई है। तो दोस्तों मैं सही जगह आ चुका हूँ और अब देखते हैं पार्किंग कहाँ पर करनी है। ओ यहाँ पे सभी तैयारी है भाई, सो देखते हैं कि हमारा लाइनअप किस जगह रहेगा।
यहाँ पे मैराथन की राइड हो गई है स्टार्ट, मैराथन विद बाइक राइड। तो मतलब भाई आज एक यूनिक कंटेंट मिल गया भाई। तो ये सारे मैराथन के लिए दौड़ रहे हैं और हम चला रहे हैं हमारी बाइक। हम तो आगे, सबसे आगे लीड हमारे भाई कर रहा है और हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मतलब ऐसे यूनिक यूनिक कंटेंट आने में यार मज़ा भी आता भाई। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है ना। और आज की यार वाइब भी बहुत तगड़ी और मौसम भी भाई साहब मज़ा आ गया। आज तो बड़ा बहुत ही तगड़ा और मौसम है, बिल्कुल ठंडक मस्ती से चल रहे हैं। या विशू भाई, विशू भाई यूँ एक्सपल्स पे रेव। ये देखो खिलका मैं मतलब फुल एडवेंचर बाइक में मजा ले रहा भाई। इस मैराथन को ऑर्गेनाइज किया है दैनिक भास्कर ने। तो यार दैनिक भास्कर भी यार बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज़ करवाता रहता है जोधपुर वालों के लिए। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जहां पे मैराथन एंड होने वाला है। उसके बाद में मैं भी शायद एक बाइक की डिलीवरी के लिए भी जा सकते हैं। हमारा करत भाई है, ले रहा है रॉयल एनफील्ड के भी जो रिसेंटली बाइक लॉन्च हुई है गोरिल्ला। शहीद स्मारक तक हम आ गए, बस यहाँ तक ही है मैराथन। और इसके बाद में सब अपने अपने घर। तो देखते हैं यहाँ पे आके कुछ और एक्टिविटी होती नहीं होती भाई। यहाँ से फ्री होने के बाद क्या हिमांशु भाई, यहाँ से फ्री होने के बाद चाय पीने चलेंगे यार। मतलब सुबह जल्दी उठ गए चाय पी नहीं क्या? हाँ तो यार चाय तो बनती है। तो यहाँ पे मैराथन में जितने भी दौड़ने वाले थे भाई सभी आ गए और हमारे राइडर्स भी ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। अब कुछ प्लानिंग चल रही है, देखो कहीं राइड पे आगे जाते हैं या अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और हमारे ग्रुप के अंदर दो ब्यूटीज क्रोम एडिशन भाई, ये तो बड़ी सेक्सी लगती है भाई। पर एक चीज़ है, इन चीज़ों को मेंटेन करना बड़ी मुश्किल है। क्या क्रोम को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत प्यार से रखना पड़ता है इनको। और आपको एक चीज और दिखाता हूँ, हमारे V4 किट ने R15M के अंदर ड्यूल डिस्क का सेटअप किया हुआ है भाई। मतलब कलाकार है यार तू है और भाई बहुत जल्दी सुपर बाइक लेने वाला है। तो भाई इस बाइक के इतने 12 बजे ही है ना, इसने इतने मतलब फुल पैसा वसूल किया तुमने इस गाड़ी का ये बात कहनी पड़ेगी। अब इसने भाई ने स्टॉक एग्जॉस्ट डाल दिया, बाकी पहले तो इन्होंने मेरा चालान कटा था। अच्छा इन्होंने चालान कटा था, ये भैया से चालान कटा था। अच्छा वही है क्या ये, इसलिए आपने स्टॉक डाल दिया। तो यहाँ पे प्लान कुछ हो गया है चेंज, थोड़ा आगे तक जाएंगे हम, उसके बाद में ही शोरूम जाने का है प्लान। तो यहाँ से कायराना वाला रास्ता लेके बर्ली तक जाएंगे। ये रास्ता भी यार थोड़ा बहुत मस्त लगता है यार इस मौसम के अंदर। कायराना और ये पहाड़ी इलाका जो है ना भाई, एक नंबर लगता है, एक नंबर। बाकी यार ये खिलौना अच्छा है, मतलब एकदम लाइट और मज़ा आता है इसको चलाने में। मतलब कटबाजी वगैरह फुल इंजॉय करते हुए चलाओ आप इस मशीन को, फन राइड वाली मशीन है। बस एक चीज़ की कमी है, इसमें एग्जॉस्ट हो जाता था तो भाई कहना ही क्या। मेरे सारे राइडर भाई भी सब आ गए हैं और चलते हैं अंदर बाइक की डिलीवरी के लिए। और हमारे नर्सा दीपक जी तो पहले ही आ गए यहाँ पर। हेलो सर, आप इनको तो जानते हो, बड़े फेमस इंसान है ये भाई। दुल्हन तो अभी घूंघट के अंदर है, अभी थोड़ी देर में इस दुल्हन का पर्दा उठेगा और यहाँ पे सारे हमारे राइडर्स भाई को अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। तो भाई हमारे विश्व भाई को ये वाली कौन सी है, सुपर मीडियो? सुपर मीडियो से भाई को सुपर मीडियो पसंद आई है क्या पता फ्यूचर में उसको वो पसंद आई जाए। किसको नाम क्या को क्या ये शॉटगन सक्सम को शॉटगन पसंद आई हुई है। ये भी यार अच्छी मशीन है। मैंने दोनों बाइक के वीडियो बना रखे हैं, आपने अगर नहीं देखो एक आप जींस दिला देना सही रेट पर। ये हमारा छोटा मोमोज
बोला हंडी मंडी नहीं हर संदीप की किसकी है ऐसा कुछ नहीं हंडी हमें नहीं हुआ नहीं नहीं है हमारे चिन्नू बाबा कुछ अभी कह रहे थे क्या मैं कह रहा था कि मैंने सुना रॉयल एनफील्ड का जो क्लोथिंग है उनका ये आर्टिकल है जो बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे मैं सोचा था अगर आप दिलवा दो तो मतलब क्या पसंद है क्या क्या पसंद है कोई भी जींस दिला दो बढ़िया चलो तो जींस देखते हैं अब भाई को जींस लेनी है जिसमें प्रोटेक्शन आता है क्या लाइक दिस इसमें प्रोटेक्शन भी आ जाता है ना प्रोटेक्शन नहीं चाहिए प्रोटेक्शन है हमारे पास है आई डोंट फील इट ओके भाई साहब ने स्किन का दिल तोड़ दिया मैं तो राइडर पैंट दिला रहा था पर इन्होंने आके दिल तोड़ दिया है तो क्या फिर क्या रिएक्शन रहेगा ओ चिन्नू बाबा तो पर्दा उठने वाला है भाई तो वहाँ पर चलते हैं हाँ सर हाँ सर अब क्या है इन्फ्लुएंसर है तो रखना पड़ता है आपसे कह रहा था ये जो आप फोटोज देख रहे हो ये वाले ये बिल्कुल सही वाली ये वाली और ये ये इन सो के बीच पक्का हाँ पक्का उधर तो बाबा कब चला जब आप बोलो ठीक है नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट प्लान करते हैं लेकिन यहाँ पर मेरी फोटो हमारे भाई साहब की अगर नहीं लगी सारे राइडर्स के साथ में धरने पर बैठ जाऊंगा और शोरूम बंद फिर क्या हुआ नहीं शोरूम बंद करवा रहे क्यों किस अगर मेरी भाई की फोटो लगनी चाहिए देख रहे हो ना यहाँ पे तो भाई साहब की फोटो नहीं डाली और ऐसी मस्ती मजाक चलती रहती है भाई ये वापस पर्दा ढक रहे हैं तो हमारी मस्ती मजाक चलती रहती है भाई अगर रॉयल एनफील्ड वाला देख रहा तो प्लीज़ दिल पे मत लेना हमारे भाई तो मजाक कर रहे थे भाई यहाँ पे सभी लोग पीछे करत भाई की फैमिली के साथ हो खड़े हो गए अब इस दुल्हन का पर्दा उठने वाला है थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे अपन थोड़ा सा थोड़ा पीछे आ जाएंगे हैप्पी बर्थडे क्या कुछ बोलना है क्या कह कुछ नहीं अंकल लड्डी थोड़ा ये पर्दा हटाओ इस दुल्हन का पर्दा हटाओ थोड़ी देर बाद इसके कुछ शॉट्स लेंगे सब क्लोज के अंदर है बैकग्राउंड में करवाता हूँ अरे थैंक यू शालाब भाई यू गोरिल्ला के लिए गोरिल्ला अब कोई बढ़िया था आपको शॉर्ट दिखाता है और कुछ शॉर्ट बैकग्राउंड में करवा देता हूँ थोड़ी सभी लोग बाइक को देख लें उसके बाद तो फटाफट से भाई शॉर्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ मतलब बाइक तो यार बड़ी फन टू राइड बनाई है इंजन आपको वही मिलेगा जो हिमालय ने अभी रिसेंटली लॉन्च की थी वही वाला इंजन है एग्जॉस्ट नोट भी वैसा ही है यार मतलब सिटी राइड और लॉन्ग राइड्स के लिए दोनों के लिए कैपेबल है भाई फ्रेंड में आपको टाइम मिलेगा 120/70/17 तो मतलब काफ़ी ब्रॉड है और यही अगर अपन रियर की बात करें तो रियर में आपको टायर मिलने वाला है 160/60/17 तो मतलब 17 इंच का व्हील रहेगा और सबसे बड़ा यार शॉक रियर सस्पेंशन मतलब सिंगल दिया है तो मतलब एकदम एग्रेसिव मशीन है अब इसका एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देख लो मतलब सिंगल वाला दे रखा है इसमें LED है और स्विचेस वही थोड़े बहुत चेंजेस किए अगर आपने रिबॉन वगैरह जो देखे हो उनमें आते हैं लमसम सिमिलर ही दिए हैं बट थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किए तो ये कुछ एक शॉर्ट वॉक अराउंड है और सीट की बात तो कर ही लेते हैं तो सीट भी काफ़ी कुशनिंग वाली दी है इसके अंदर तो मतलब फन टू राइड मशीन है अब देखते हैं कि रोड प्रेजेंस कैसी हो तो रोड पे चलेगी तभी पता चलेगा कभी हमको मौका मिला तो हम भी इसका एक प्रॉपर राइडिंग रिव्यू के साथ में डीप डिटेल वाला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है तो एक कुछ शॉर्ट वीडियो था तो शॉर्ट रिव्यू तो भाई मैंने आपको दे दिया अब पार्टी वार्टी करते हैं यहाँ पे अब पार्टी इंजॉय कर रहे हैं मैं तो आ गया खा गया अभी वापी भी बाकी है पार्टी वहाँ पे पार्टी वगैरह कर लेते हैं फिर घर के लिए निकलेंगे फिर आपसे फोटो वॉक करते करते बातें करते हैं सो दोस्तों पार्टी वगैरह हो गई अब चलते हैं घर क्योंकि अब घर पे काफ़ी काम है और आज मतलब बाइक में भी कुछ काम करवाना है मेरे को ये मिरर वाला करना पड़ेगा यार ये मतलब मिरर का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है चलो आज बढ़िया राइड भी हो गई और भाई की बाइक की डिलीवरी भी ले ली तो सीधा अब घर अब कहीं नहीं रुकना भाई क्योंकि 10:15 हो गए सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं तो थोड़ा सा क्या मेरे को आ रही नींद
तो पहले जाके बढ़िया फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा सो लूँगा, उसके बाद मैं आज सारे दिन काफ़ी काम है जो छोटे मोटे सबको निपटा देंगे। अरे अंकल खुद भी कंफ्यूज हो गए, मेरे को भी करा मतलब बीड़ी पीते पीते टैक्सी चला रहे हैं और मतलब बीच रोड पे लागे रोक दिखे या तो मैं भी नहीं निकल सकता ना खुद निकल सकते, कंफ्यूजन यार ऐसी चीज़ों से फिर एक्सीडेंट नहीं होते होते तो भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या करें। खैर कोई ना, अब रोड पे तो ऐसी चीज़ें छोटी मोटी चलती रहती है भाई। और सूर्य देवता भी अब तेज हो गए, बादल सारे छट चुके हैं, सुबह तो इतना सेक्सी मौसम हो रखा था, बट जैसे जैसे दिन आ रहा है और धूप हो गई तेज, मतलब इतनी भयंकर गर्मी लग रही है ना जिसकी हद नहीं, बस मैं तो सोच रहा हूँ यार जल्द फटाफट से घर पहुँच जाऊँ, और ऊपर से राइडिंग गेट्स भी पहने हुए हैं तो भाई थोड़ा सा क्या जैकेट वगैरह में रहता है। लो जी मिल गई वाटर क्रॉसिंग, भाई बरसातों में तो यही हाल रहेगा, क्या करें। सो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अपन एंड, आप आई होप आपको आज ये जो हमारी संडे राइड की मस्ती मजाक प्लस बाइक की डिलीवरी और जो मैराथन का था, मतलब इन सभी चीज़ों पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर के मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना फैमिली साइज ही बनाए रखो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।